अच्छे बच्चे चैनल। एक छोटा फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स। अरे ये व्हील मेरी तरफ क्यों आ रही है? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अच्छा समझ गया, अभी बताता हूँ। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। आज मैं सीखूंगा कलर्स के नेम, बड़ा मजा आएगा, यही है मेरा एम। ये घूम क्यों नहीं रहा है? घूम जा, घूम जा। यस, घूम गया। देखते हैं कहाँ रुकेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, कौन सा कलर इसमें है प्लीज कैंट को बता दो। ये कितनी सारी बॉल्स हैं। इनका कलर है रेड यानी लाल। बाय, फिर मिलूंगा। हाय, ओ बी तो फिर से आ रहा है। ओ आ गया। ये मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। पहले मैंने सीखा रेड कलर का नेम, बड़ा मजा आया, यही था मेरा एम। अरे ये घूम क्यों नहीं रहा है? घूम जाओ। घूम गया, देखता हूँ कहाँ रुकेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, कौन सा कलर इसमें है प्लीज कैंट को बता दो। ये इतनी सारी बॉल्स। इनका रंग है येलो यानी पीला। बाय बाय, मैं आ गया। हाय, अब और कलर्स के बारे में जानेंगे। अरे ये तो फिर से आ गया। ये दोस्तों मैं अभी आया। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। मैंने सीखा रेड येलो नेम, बड़ा मजा आया, यही था मेरा एम। इसे फिर से घुमाता हूँ। अरे ये तो फिर से नहीं घूम रहा। घूम जा। घूम गया, देखता हूँ कहाँ रुकेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, कौन सा कलर इसमें है प्लीज कैंट को बता दो। ये फिर से इतनी सारी बॉल्स। पिंक यानी गुलाबी। बाय बाय, मैं आ गया। हाय, ओ व्हील भी फिर से आ गया। अब और कलर्स के बारे में जानेंगे। ये हे, मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मैंने सीखा रेड येलो पिंक नेम, बड़ा मजा आया, यही था मेरा एम। इसे फिर से घुमाता हूँ। फिर से अटक गया। घूम जा। घूम गया, देखते हैं कहाँ रुकेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, कौन सा कलर इसमें है प्लीज कैंट को बता दो। ये इतनी सारी हरी बॉल्स। ये सारी हरी है, इतनी सारी हरी बॉल्स। अगली बार फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। मैं हूँ अंडर द सी मेरी फ्रेंड, बड़ा मजा आएगा देखना टिल दी एंड। चलो सी एनिमल्स काउंट करें। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे वाह, ये थी 10 बेबी शार्क्स। कितनी क्यूट थी ना। अब देखते हैं कि ये वाली मछलियाँ कौन सी और कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये वाली मछलियाँ भी 10 है। ये है क्लाउन फिश। अब देखते हैं कि जेली फिश कितनी है। चलो गिनती शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे जेली फिश भी 10 है। समंदर के अंदर गिनती सीखने में और इन प्यारे जानवरों को देखने में बहुत मजा आया। अभी मैं जाता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ
छोटू सा एलिफेंट, मुझे लग रही है ठंड, अब कैसे करूँ तुम्हारा एंटरटेनमेंट? हाँ, ये देखो वाटर। हाँ, और यहाँ पर फ्रूट्स का साइन है और यहाँ पर वाटर का साइन है, यानी पानी। मजा आ गया, उसे दबाओ। अरे वाह, पेंगुइन। अरे देखो वो पानी ला रहे हैं। पेंगुइन्स बर्फ में रहते हैं। कैंट चलो पानी पी लेते हैं। अरे ये तो वही साइन है। अरे वो देखो कैंट, रुको एक बार और चेक कर लेते हैं। ये तीन शेप्स क्यों है? हाँ, सेम टू सेम। इन्हें दबाकर देखते हैं कैंट। अच्छा आइडिया है, ये ट्रायंगल था। इस शेप को कहते हैं ट्रायंगल। अरे वाह, देखो इससे एप्पल्स आ गए। एप्पल, मजा आ गया। थैंक यू। अब मैं दूसरा शेप दबाता हूँ। ठीक है, सर्कल। अरे देखो बनाना आ गए, चलो ये भी खा लेते हैं। छिलका डस्टबिन में ही डालना चाहिए। गुड। अब तीसरा दबाते हैं। ये है स्क्वायर। स्क्वायर। अरे यहाँ तो कुछ नहीं आया। स्ट्रॉबेरीज। मजा आ गया। अब क्या होगा? देखते जाओ। ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरो नहीं, मजा आएगा। अरे अरे वाह, ये तो वही मैप वाला साइन है। बोट। हम दो दोस्त एमएस सितारे, एडवेंचर पर लिखे अफसाने। मंजिल मिली हमें जरूर, हमारी दोस्ती पर हमें है गुरूर। हाय दोस्तों, मैं आ गया आपका दोस्त केंट। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकु सा एलिफेंट। आज की सीख भूलेंगे नहीं कल, हम सॉल्व करेंगे जिग्सॉ पजल। ओह, ये तो गांव वाला पजल है। अरे वाह, इतने सारे पीसेस हैं। पहले किनारे वाला लगाता हूँ ताकि पजल सॉल्व करना आसान हो जाए। उसके बाद इसका पेटू लगाऊंगा और उसके बाद फिर से आसमान। अरे ऐसे नहीं लगेगा, हाँ ऐसे। अब जमीन का टुकड़ा, ये हमने कोने के चारों पीसेस लगा दिए। अब चलो मुंह वाला पीस लगाते हैं। अरे नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। और अब लगाएंगे पैरों वाला हिस्सा। ये बस पूरा होने वाला है दोस्तों। अब ये वाली फेंस, अरे ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। फेंस का एक टुकड़ा लगाते ही वो वाली रो पूरी हो गई। ये देखो एक और हो गया, और फेंस का एक और टुकड़ा। अब सिर्फ बचे हैं चार। आसमान का एक और टुकड़ा लगा दिया और अब काऊ की पूंछ भी लगा दी। अब सिर्फ दो बचे हैं, ये रहा एक पैर और ये हो गया। ये बहुत बढ़िया दोस्तों। क्या आप जानते हैं काओ क्या आवाज निकालती है? मू। हाँ सही कहा। अब दूसरे पजल की बारी। ये है मुर्गी और उसका चूजा, यानी मम्मी और बेबी। तो सबसे पहला कौन सा उठाऊं? हाँ कोने वाला, आसमान वाला पीस। उसके बाद घास वाला पीस, और उसके बाद लगाऊंगा तीसरा कोने वाला पीस, और फिर बताओ, हाँ चौथा कोने वाला पीस। उसके बाद मुर्गी का मुंह। अरे नहीं, हाँ ऐसे। फेंस का पीस लगा देता हूँ, उसके बाद ये आसमान वाला पीस। तुम तो सीख रहे हो। उसके बाद कौन सा लगाना है? अरे नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। बहुत बढ़िया दोस्तों। अरे वाह, एक और फेंस का पीस लगा दिया। आसमान बस पूरा होने वाला है दोस्तों। और ये लगा दिया बेबी वाला पीस। अरे वाह, अब हम लगाएंगे मम्मी हेन वाला पीस। अरे नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। और ये लगाया बेबी की आंख वाला पीस। अब दो ही बचे हैं, मम्मा हेन की आंख वाला पीस और पैरों वाला पीस, और हो गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये वाला तो जल्दी हो गया। बेबी चिक आवाज निकालती है, ट्वीट 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 ट्वीट। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना।
ओह अब घोड़े वाला पजल कितना प्यारा लग रहा है ना। बताओ पहले कौन सा लगाऊं? हाँ कोने वाला पीस। सीख रहे हो दोस्तों। और दूसरे कोने वाला पीस लगा दिया। अब तीसरा पीस भी लगा दिया और चौथा। इससे पजल सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब लगाते हैं मुंह वाला पीस। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं। हाँ ऐसे। अब रस्सी वाला पीस। अब लगाएंगे हॉर्स के पैरों वाला पीस। बहुत बढ़िया। अब ये कान। नहीं ऐसे नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। अब लगाएंगे घोड़े के सैडल वाला पीस। और अब ये साइड वाला पीस। बस होने वाला है। हाँ ऐसे। अरे नहीं ऐसे नहीं। हाँ ऐसे। चलो अब लगाते हैं ऊपर वाला पीस। अरे नहीं ऐसे नहीं दोस्तों। अब बचे हैं सिर्फ तीन। नीचे वाला हो गया और ये है पूंछ वाला पीस। और आखिरी वाला है। बहुत बढ़िया दोस्तों। हाँ और पजल पूरा हो गया। तो बताओ हॉर्स कौन सी आवाज निकालता है? हाँ हॉर्स करके बात करता है। ओ अब आ गया छुटकू सब पिगी वाला पजल। बहुत सारे पीसेस है ना। चलो अब शुरू करते हैं कोने वाले पीस से। अब दूसरी साइड के कोने वाले पीस को लगा दिया। और अब आसमान वाला पीस। और कोने वाले चारों पीसेस लगा दिए। अब कौन सा मुंह वाला? अरे नहीं दोस्तों। हाँ लगा दिया। अब नीचे वाला पीस। और ये फेंस वाला पीस ना। हाँ लगा दिया। अब फेंस वाला पीस। और ये भी लग गया। तुम तो बहुत जल्दी कर रहे हो दोस्तों। हाँ बहुत बढ़िया। और अब हम लगाएंगे फेंस का आखिरी पीस। और हो गया। और ये बीच वाला पीस लगा के रो कंप्लीट हो गई। अब आंख वाला पीस। नहीं ऐसे नहीं। हाँ ऐसे। अब पिगी का हाथ वाला पीस। बहुत बढ़िया। अब सिर्फ दो ही बचे हैं। दूसरा हाथ वाला पीस भी लगा दिया। और आखिरी है पिगी का पेटू। हाँ बहुत बढ़िया। तुमने तो सॉल्व कर दिया दोस्तों। पिगी आवाज निकालते हैं ओंक 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 ओंक। देखो कितने सारे हैं, है ना। प्यारे लग रहे हैं। चलो आपसे बाद में मिलता हूँ। बाय। हेलो दोस्तों मैं कैंडी एलिफेंट। और मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें एक ड्राइंग है जो अधूरी है। इसमें रंग भरना है। मेरा नाम है केन। मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। आज की ड्राइंग में है एक फन आकार के नाम सीखेंगे हम। जैसे स्क्वायर यानी चौकोर। शायद पेगो के पास कलर्स होंगे। सुनो पेगो क्या मुझे वो स्क्वायर यानी चौकोर मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं ये लो केन। थैंक्स पेगो। अरे ये तो फिट हो गया। ये परफेक्ट है। आज तो प्रिंटिंग में बहुत मजा आ रहा है। ये है रेक्टेंगल्स यानी कि समकोण। हे टिम क्या मुझे इनमें से एक रेक्टेंगल मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं केंट ये लो। थैंक यू। वाओ अब तो ये भी सेट हो गया। आज तो मैं पतंग उड़ाऊंगा। सारा काम हो गया। बस इन सर्कल्स यानी गोलों को इसमें लगाना है। हे लोग क्या मुझे इनमें से कुछ सर्कल्स यानी गोले दे सकते हो प्लीज? हाँ बिल्कुल केंट ये लो। थैंक यू। बाय बाय। वाह क्या बात है। अब मुझे इसमें से ट्रायंगल काटना है यानी कि त्रिकोण। अब इसमें लग गया एक ग्रीन ट्रायंगल। बढ़िया। तो हमने आज लगाया है सर्कल यानी गोला, रेक्टेंगल यानी समकोण, ट्रायंगल यानी त्रिकोण, स्क्वायर यानी चौकोर। भूलना मत। अब मैं चलता हूँ दोस्तों। बाय। हेलो दोस्तों मैं आ गया आपका प्यारा सा छोटा सा दोस्त केंट। आज बहुत मजा आने वाला है। मेरा नाम है केंट। मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। हमेशा रहता हूँ मस्त मगन। चीजें ढूंढूंगा दोस्तों के संग। चलो ऑब्जेक्ट्स ढूंढते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वाला है फाइंड द एप्पल यानी सेब को ढूंढना। लाल लाल सेब खा जाऊं क्या? नहीं पहले ढूंढ लेता हूँ। चलो तीन दो एक। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी सेब को ढूंढो। जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है। लाल लाल सेब, लाल लाल एप्पल, रेड रेड एप्पल। मिला क्या? वो रहा बेंच के ऊपर। अब जाओ खा लो। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब है फाइंड माय कार यानी गाड़ी। वाओ लाल लाल गाड़ी। बताओ कहाँ छुपी हुई है प्यारी सी गाड़ी?
तीन दो एक। जल्दी जल्दी ढूंढना, टाइम निकल रहा है। कहाँ है? क्या वो चेयर पे है? नहीं। क्या वो पेंटिंग के पास है? नहीं। क्या मिली? वो रही शेल्फ पर। वाह, बहुत बढ़िया दोस्तों, तुम्हें रेड कार मिल गई। अब है फाइंड माय सॉकर बॉल, यानी कि फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल से खेलते हो दोस्तों? मैं भी खेलता हूँ। चलो अब इसे ढूंढो। 3, 2, 1। जल्दी करना, टाइम बहुत कम है। जल्दी। क्या वो लैंप के पास है? नहीं। क्या वो बेड के ऊपर है? हाँ, दिखाई तो नहीं दे रही। कहाँ है बॉल? वो रही, आधी छुपी हुई थी। क्या तुमने ढूंढा? बहुत बढ़िया, मैंने तो ढूंढ लिया। अब है फाइंड द स्नोमैन। तू बताओ दोस्तों, स्नोमैन कहाँ पर होगा? 3, 2, 1, शुरू हो जाओ। कैट की ड्राइंग दिख रही है, डॉगी भी है, मिक्की माउस, फ्लावर और एप्पल और सनसेट और अरे हाँ, एकदम नीचे कोने में छुपा हुआ था शैतान स्नोमैन। मिला ना आपको? अब हमें ढूंढना है बनाना, यानी केला। फाइंड अ बनाना। बनाना कहाँ है जरा बताना। चलो अब टाइम शुरू होने वाला है। 3, 2, 1, गो। क्या वो टेबल पर कहीं है? दिखाई तो नहीं दे रहा। सैलेड की बोल के पास भी नहीं है। कहाँ होगा? वो रहा, अकेला अकेला मिक्सर के पास। ये आपने ढूंढ निकाला। चीजें ढूंढने में तो बहुत मजा आया दोस्तों, और हमने काफी कुछ सीखा भी। बहुत मजा आया। तो आप लोग इस केंट को देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। मैं हूँ केंट द एलिफेंट, बाय। हाय परी। देखता हूँ आज खजाना कहाँ मिलेगा। वाह, अभी मैं यहाँ पर हूँ। मुझे ब्रिज पार करते हुए जंगल की तरफ जाना है, फिर उसे पार करके मुझे मिलेगा एक समंदर। फिर उसे पार करने के बाद मैं पहुँचूंगा पहाड़ के पास, जो है ट्रेजर आइलैंड। मैं चला। वाओ, मेरी गाड़ी। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छोटू एलिफेंट। मैं करूँगा ट्रेजर हंट और मेरी गाड़ी है ब्रिलियंट। ये मेरी अगली सवारी, बड़ा सा ट्रक। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। मैं करूँगा ट्रेजर हंट और मेरा ट्रक है फ्लैम्बोयंट। मेरे दोस्त ट्रक, तुम्हें यहीं बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बोट सामने खड़ी है। अब मैं बोट यानी नाव में जाऊंगा। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू एलिफेंट। मैं करूँगा ट्रेजर हंट और मेरी बोट है बॉयंट। अरे वाह, मेरा हेलीकॉप्टर। चलो। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। मैं करूँगा ट्रेजर हंट, हेलीकॉप्टर है मेरा असिस्टेंट। वाह, वो रहा मेरा ट्रेजर बॉक्स। असिस्टेंट, मुझे यही उतार दो। मैं पहुंच गया। अब मैं इसे खोल कर देखूंगा। मिल गया ट्रेजर। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलूंगा। ला 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 ला। हाँ, ये क्या है? कहाँ से आया होगा? किसने दिया होगा? कॉल कर देखता हूँ। आज का टास्क, अपने दोस्तों के साथ खेलो, इसमें तो मजा आएगा। ये जल्दी से जाकर खिलौने ले आता हूँ। अरे, ये तो यही मिल गए। जरूर सब अंदर ही होंगे। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। जाकर सबको ढूंढता हूँ। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ
छोटकोसा एलिफेंट हमेशा रहता हूँ फ्रेंड्स के संग और करता हूँ एंटरटेन। हाय केन, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था ये खिलौने देने। अरे वाह, ये लो हेलीकॉप्टर। थैंक यू। ये है हेलीकॉप्टर। केंट ने मुझे ब्लू हेलीकॉप्टर दिया, यानी नीला हेलीकॉप्टर। और दी सॉकर बॉल, यानी नारंगी सॉकर बॉल। हाय पेगो। हाय केंट, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें खिलौने देने आया। खिलौने? अरे वाह, दो। येलो शिप यानी जहाज। येलो शिप, येलो यानी पीला। सॉकर बॉल, पर्पल सॉकर बॉल यानी बैंगनी सॉकर बॉल। हाय लू। हाय केंट, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये खिलौने है, तुम्हें देने आया हूँ। ये लो कार। थैंक यू। कार यानी गाड़ी। पिंक कार यानी गुलाबी गाड़ी। और मुझे मिली है एक सॉकर बॉल, रेड सॉकर बॉल यानी लाल सॉकर बॉल। मैं खेलने जा रहा हूँ, बाय। अरे सारे खिलौने तो खत्म हो गए, अब क्या करूँगा? फ्रेंड्स भी चले गए, घर चला जाता हूँ। अरे वाह, तुम लोग यहाँ हो। ये हाय गैन, चलो साथ में खेलेंगे। हमारे पास है जहाज, हेलीकॉप्टर और गाड़ी। केंट ने आज का टास्क पूरा किया। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका छोटा सा प्यारा सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज हम काउंटिंग सीखने वाले हैं, तो तुम सब तैयार हो तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। आज करेंगे गिनती लर्न, सबकी बारी आएगी, लेकिन पहली है मेरी टर्न। अरे वाह, इतनी जल्दी सारी फोटोज भी आ गई। कितनी सारी चीजें हैं ना इसमें। इसमें बनाना यानी केले हैं, जो मुझे बहुत पसंद हैं। तो चलो सबसे पहले इन्हें गिन लेते हैं। चलो शुरू करें दोस्तों। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव। तो हमारे पास हुए पाँच केले यानी कि बनानास। ये बहुत बढ़िया दोस्तों। अब अगली चीज कौन सी है? कार्स। चलो कार्स को गिनते हैं। चलो काउंटिंग शुरू करें दोस्तों। एक यानी वन कार। अरे ये कार नहीं है, ये तो पेंसिल है। दो यानी टू कार्स। तीन यानी थ्री कार्स। हमारे पास है तीन कार्स यानी कि गाड़ियाँ। हमने जल्दी जल्दी काउंट कर लिया। चलो इन्हें बास्केट में डाल देते हैं। अब अगली चीज कौन सी हो सकती है? हाँ पेंसिल। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव और छह यानी सिक्स। हमारे पास है छह पेंसिल। ये बहुत बढ़िया, इससे मैं लिखूंगा भी और ड्राइंग भी करूंगा। तो अब हमारी बारी है गिफ्ट्स को गिनने की। कितने दिखाई दे रहे हैं? एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर। हमारे पास चार गिफ्ट्स हैं, जो मैं अपने चार दोस्तों को दूंगा। रख दिए बास्केट में। अब गिनना है कि हमारे पास कितनी कैंडीज हैं। चलो एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स, सात यानी सेवन और आठ यानी एट। हमारे पास आठ लॉलीपॉप यानी कैंडीज हैं। यमी यमी। चलो अब हम एक और राउंड खेलते हैं, क्योंकि आप सबको बहुत मजा आया मैं जानता हूँ। देखो कितनी सारी चीजें आ गई। ओह कितने बटरफ्लाईज है यहाँ, गिनो गिनो। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स। हमारे पास छह सुंदर सुंदर येलो बटरफ्लाईज हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ कितने कप्स हैं? एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री। अरे वाह, आप तो जल्दी जल्दी करने लगे। क्या बात है दोस्तों, जल्दी सीख रहे हो। चलो अब अगली चीज गिनते हैं, जो है बॉल्स।
ये वाली बॉल बास्केटबॉल है। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स, सात यानी सेवन, आठ यानी एट। हमारे पास आठ बास्केटबॉल्स हैं। ये हम इतनी सारी बॉल्स का करेंगे क्या? चलो अब क्रेयॉन्स को गिनते हैं। शुरू करो। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स, सात यानी सेवन, आठ यानी एट, नौ यानी नाइन, दस यानी टेन। वाओ, हमारे पास दस क्रेयॉन्स हैं। इससे मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स एक साथ कलरिंग करेंगे। अब हमें गिनने हैं कि कितने बटन्स हैं यहाँ पर। एक यानी वन, दो यानी टू, अरे ये तो सिर्फ दो ही हैं। हमने सारी चीजें गिन ली। ये चलो दोस्तों, एक और लास्ट राउंड हो जाए। देखो देखो, चीजें आ गई। सबसे पहली चीज है गाइड्स। तो यहाँ पर कितनी गाइड्स हैं? रेडी। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर। हमारे पास चार गाइड्स हैं। ये क्या बात है, इसको बास्केट में डाल दिया। अब यहाँ पर कितने कपकेक्स हैं? एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी क्या, थ्री, चार यानी फोर। हमारे पास चार कपकेक्स हैं। ये ओके, तो हमारे पास यहाँ कितनी कीज हैं? देखो देखो, एक यानी वन, दो यानी टू, ओह सिर्फ दो ही चाबियां हैं, यानी कि कीज। वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो दोस्तों। अब गिनो कि यहाँ पर कितनी हैट्स हैं? हाँ, यहाँ पर तो सिर्फ एक यानी वन हैट है। ये केन की हैट है। ये अब चलो गिनते हैं यहाँ पर कितने टमेटोज यानी टमाटर हैं। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव। हमारे पास है पाँच रसीले टमाटर। इसे मम्मी सूप बनाती हैं। ये आज तो बहुत मजा आया, हमने काउंटिंग सीखी और गेम भी खेला। क्या बात है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा, बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज मेरा दोस्त टिम सब्जियां लाने वाला है, वो भी किचन में काम करेगा मेरे साथ। देखो, मोमो सब्जियां लेकर आ गया। अब हम कुछ खाने के लिए बनाने वाले हैं। आज बनेगा सब्जियों का सूप जो हम मिलकर खाएंगे। अरे, इसने तो पूरा खत्म कर दिया। तो क्या हुआ, हमारे पास ब्रोकली है। अरे वाह, ब्रोकली तो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। इसका सूप बनाकर पीने से हमें बहुत ताकत आती है। इसमें विटामिंस होते हैं जैसे ए सी ई। अरे मोमो, सूप को आराम से पियो। लगता है मोमो को बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है। अरे मेरा भी सूप खत्म हो गया, भाग जाओ यहाँ से। चलो अच्छा है, अब मैं आराम से अपना कैरेट यानी गाजर का केक बनाऊंगा। पता है ये बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए, हमें गाजर खाना चाहिए। बन गया मेरा केक, इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देता हूँ। अरे वाह, केक भी खा जाऊंगा। चलो अब साथ में कुछ स्पिनच यानी पालक का सैलेड भी बना लेता हूँ। पालक में बहुत सारा आयरन होता है, इसका सूप भी बना सकते हैं दोस्तों। मेरा सैलेड तो बन गया, इसे केक के पास रख देता हूँ और अब टिम को खाने के लिए बुला। अरे ये क्या आवाज थी? अरे मेरा केक और सैलेड दोनों गायब हो गए। ये कैसे हो गया? हाय केन, मैं मटर लेकर आया हूँ, खाकर देखो कितनी मीठी है। हाँ सच में, चलो इसका कुछ बनाते हैं। इन्हें नरम बनाने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लेते हैं। ये डाला नमक और घुमा दिया। हाँ, मैं एवोकाडो भी लेकर आया हूँ। अरे वाह, तुम कितना कुछ लेकर आए हो। एवोकाडोस खाने से हम बहुत फुर्तीले हो जाते हैं। इन्हें टमाटरों के साथ मिलाकर बढ़िया सा सूप भी बना सकते हैं और सैलेड में काट कर भी खा सकते हैं।
एवोकाडो मेरी मम्मा को बहुत पसंद है। चलो मटर के साथ इन्हें खाएं। अरे सारा खाना कहाँ गया भूखिया? ये क्या हो रहा है? सारी सब्जियाँ नीचे क्यों पड़ी हुई है? चलो देखते हैं। आज तो बहुत खा लिया, पेट फट रहा है। तुम सब कुछ खा गए? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छोटा सा एलिफेंट। आज बहुत गर्मी है। अच्छा ये ठंडा जूस है। अरे ये भी खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे टिम, इतनी गर्मी है ना। अरे वो देखो मोमू के पास आइसक्रीम है, चलो चलकर उसे मांगते हैं। हमें आइसक्रीम दे दो, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना मोमू, प्लीज हमें भी आइसक्रीम दो ना, बहुत गर्मी है मोमू। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छोटकू सा एलिफेंट, मोमू है मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो है बहुत इंटेलिजेंट और आइसक्रीम देगा इन द एंड। अरे ये क्या हो गया? आइसक्रीम तो गिर गई, अब हम क्या करेंगे? मोमू तुम्हें चोट लग गई क्या? नहीं लगी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लोग रुको, हमें भी आइसक्रीम खानी है। मेरा नाम है कैन, मैं हूँ छोटकू सा एलिफेंट, लुक है हमारा बेस्ट फ्रेंड, वो है बहुत इंटेलिजेंट और आइसक्रीम देगा इन द एंड। नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। अब कहाँ भाग के जाओगे लोग, अब तो आइसक्रीम देनी ही पड़ेगी। नाराज मत हो, हम सब मिलकर खाएंगे। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। मैं तुम सबके लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया हूँ, चलो सब मिलकर खाते हैं। मिलकर खाने में ही तो असली मजा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंटी एलिफेंट। आज मैं मेले में बहुत मस्ती करूँगा। वाओ, कितने सारे खिलौने हैं, आज तो बहुत मजा आएगा। पर लगता है ये सारे खिलौने मुझे मिल नहीं सकते, इनके लिए मुझे 3 टिकट्स खरीदनी होगी। अरे वाह लुक, तुम भी यहाँ हो। पहला चैलेंज है इन गेंदों को कैच करना, नीचे एक भी नहीं गिरनी चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। हाँ मैं एक भी गिरने नहीं दूंगा, दूर जाके पकड़ूंगा। जल्दी जल्दी, स्विमिंग पूल में गिरने नहीं दूंगा, जल्दी से पकड़ लूंगा। पकड़ लिया, ये ये। मुझे पहली टिकट मिल गई, मतलब एक चैलेंज पूरा हो गया। अब दूसरी टिकट, अगला है बाइसिकल चैलेंज, इसे भी पूरा करूंगा। आसान लगता है, नहीं मुश्किल लगता है, डर लग रहा है, कैसे करूंगा? पर यही तो चैलेंज है, अपनी डर से आगे बढ़ के चैलेंज को पूरा करना। और ये देखो मैंने पूरा कर लिया। अब मुझे मिलने वाला है मेरा इनाम, यानी कि दूसरी टिकट। देखो मिल गई, मैंने हिम्मत दिखाई और मैं आगे बढ़ा और टिकट मिल गई। दूसरा चैलेंज भी पूरा हुआ। अब है तीसरा चैलेंज, यानी हुला हूप चैलेंज। ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, गोलू मोलू हो ना इसलिए। चलो चलो करता हूँ। अरे गिर गया, फिर से कोशिश करके देखता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो, अरे वाह, गोल 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 गोल, और फेंको, फेंकते रहो, बहुत बढ़िया, मैं नहीं रुकूंगा। तीसरा चैलेंज पूरा हुआ और टिकट मिल गई, तीनों टिकट मिल गई, अब टेडी बेयर भी मिल जाएगा। अब बस देखना है कि नंबर्स मैच करेंगे या नहीं। काश मैच कर जाए। ये नंबर्स मैच हो गए, मैं जीत गया। अरे वाह, टेडी मिल गया। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया, आपका प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। लेकिन आज मैं आपको नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त टिम की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो अलग अलग कलर्स दिखाएगा। और कलर्स के बारे में जानने के लिए वो अपने हवाई जहाज में निकल पड़ा, और ये चला जहाज वहाँ उसने इंद्रधनुष भी देखा। पता है दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फिर उसने पीले डैफोडिल्स का बड़ा बाग देखा, उसके बाद दूर दूर तक फैला हुआ नीला समंदर जिसमें अलग अलग रंग की मछलियाँ भी थी। दुनिया कितनी रंगीन है ना दोस्तों। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे दादाजी का संतरों का एक बड़ा सा बाग था, और संतरे होते हैं नारंगी रंग के, और उसके पेड़ की पत्तियाँ हरी थी,
और तितलियाँ भी थी नीले रंग की। मुमू के घर में ऑर्किड के फूल लगे हैं जो बैंगनी रंग के होते हैं, और उसके यहाँ स्ट्रॉबेरीज भी हैं जो कि लाल रंग की होती है। जब हम उसके घर जाते हैं तो ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। अब चलते हैं टिम के पास। टिम ने उड़ते वक्त सफेद डव पक्षियों को भी देखा। कितने सुंदर है ना? पता है, सफेद रंग और डव पक्षी दोनों ही शांति का प्रतीक होते हैं। रात के वक्त अंधेरा होता है और वो काले रंग का होता है। टिम थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया, जिसका कलर था भूरा। गुड नाइट टिम, बाय। दूसरे दिन वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। उसने अपने हवाई जहाज में पूरी दुनिया का सफर कर लिया। गोल 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 बस घूमता ही रहा। अरे गोल गोल इसलिए क्योंकि दुनिया गोल होती है ना। चलो अब रिवीजन करते हैं। ये है येलो यानी पीला, ब्लू यानी नीला, ऑरेंज यानी नारंगी, ग्रीन यानी हरा, पर्पल यानी बैंगनी, और ये है रेड यानी लाल, और टिम का फेवरेट पिंक यानी गुलाबी। अगला वाला है व्हाइट यानी सफेद, और ये देखो काले रंग का चमगादड़, और इस उल्लू का कलर है ब्राउन यानी भूरा। देखो कितने सारे रंग हैं। बाय बाय दोस्तों, रंगों को भूलना नहीं, और मुझे बताना तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। अगली बार मिलूंगा। हाँ, मौसम भी कितना प्यारा है ना। अरे केंट कहाँ चला गया? आ रहा हूँ। ये लो तुम सबकी आइसक्रीम। टिम, तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी। लूक और मोमू, तुम दोनों के लिए भी लेकर आ रहा हूँ। मैं अभी आया। ओ, अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी आइसक्रीम गिर गई। I'm sorry. कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया। चलो अब जल्दी से गले लग जाओ। ये देखो देखो, मैं आइसक्रीम लेकर आ गया। ये लो केंट, मेरे प्यारे दोस्त। चलो केंट, अब तुम खुश हो तो इसी बात पर एक प्यारा सा गाना सुना दो। अच्छा ठीक है, तो सुनो। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। खुश रहना है एक्सेलेंट, लेकिन रोना नहीं है रेलेवेंट। इमोशंस के बिना नहीं है एंटरटेनमेंट। मजा आ गया। चलो एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी तो गेम में हार जाने पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब हम अपने मन को शांत करके अपने दोस्त को सॉरी कहते हैं तो गुस्सा भाग जाता है। चलो चलो, भागो भागो, जाओ जाओ जाओ। कभी कभी हम बहुत घबरा जाते हैं कि हमारा कितना सारा काम बचा है, कुछ समझ नहीं आता, और तब हमारी टीचर हमारा साथ देती है और काम पूरा करने में हमारी मदद करती है। पता है दोस्तों, हम हमेशा एक जैसा नहीं सोच सकते। हम सब में सारी फीलिंग्स होती हैं। ये बात हमें टीचर ने ही सिखाई है। आप सोच रहे होंगे ना हम में क्या फीलिंग्स होती हैं? रुको, मैं समझाता हूँ। कभी कभी हम सब खुश होते हैं, कभी कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं, तो कभी कभी घबरा जाते हैं। पता है एक दिन क्या हुआ? टीम को मस्ती करनी थी, हम सब पिकनिक पर थे और अचानक उसने हमें डरा दिया। वो बहुत मस्ती के मूड में था और हमने उस दिन बहुत मजे किए। वाह, आज मजा आ रहा है ना? वो देखो गुब्बारे वाला। चलो गुब्बारे खरीदते हैं। अरे ये बने क्यों लड़ रहे हैं? बाप रे, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। सब सब इधर आ जाओ। टीम, तुम जाओ समझाओ। ये लो, और लड़ाई मत करो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम लोग क्यों दुखी हो? ये गुब्बारा लो और जल्दी से मुस्कुराओ। दादी माँ, ये लीजिए आपके लिए। अरे वाह, सब कितने खुश लग रहे हैं ना। चाहे जो भी हो जाए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और बाकियों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। बाय बाय दोस्तों, केंट आपसे जल्दी मिलेगा।